हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई यू चैनल सो द टू कैट इज डिस्क्राइब अ टाइम वैन यू लॉस्ट एन इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल आइटम एक टाइम के बारे में बताना है जब आपकी कोई वैल्यूएबल आइटम खो गई थी वैन एंड वेयर इट इट हाउ हैटेंट एंड वैल्यूएबल इट वॉज एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट द एक्सपीरियंस सो ये रहेंगे हमारे क्वेश्चन आप इसकी जर्नल आई लिख सकते हो बींग अ मिच्योर पर्सन आई एम ऑलवेज कोग्नीजेंट ऑफ माई बिलोंगिंग कॉग्नीजेंट होता है बी अवेयर ऑफ समथिंग जो भी अपनी चीजों के बारे में काफी कॉन्शियस हो तो आई एम ऑलवेज अवेयर ऑफ माई बिलोंगिंग्स और माई इम्पोर्टेंट वेलेबल थिंग्स हेयर आई वुड लाइक टू शेड सम लाइट ऑन अ टाइम और ऑन ए इंसिडेंट वेन आई लॉस्ट माई फोन इन अ होटल आज मैं बात करूंगा एक टाइम के बारे में जहाँ एक इंसिडेंट के बारे में जहां पर मेरा फोन मेरे होटल में गुम गया था आई विवरली रेमिन इन सिक्स मंथ गो माई फादर ऑर्गेनाइज अ फैमिली ट्रिप ऑफ टू वीक्स इन थाईलैंड थाईलैंड में मेरे फादर ने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था विवर्डली का मतलब क्लियरली और एमिनंस का मतलब रिमेंबर ही जस्ट वॉन्टेड टू किल सम क्वालिटी टाइम विद सम क्वालिटी टाइम मतलब किल सम गुड टाइम मतलब स्पेंड सम गुड टाइम वी वर सो इलेटेड एंड इन्जॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ़ आर ट्रिप इलेटेड का मतलब होता है हैप्पी हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे और हर मोमेंट इन्जॉय कर रहे थे एज आई एम अ ग्रिगेरियस पर्सन ग्रिगेरियस का मतलब होता है सोशल एबल कि जैसे मैं एक सोशल एबल पर्सन हूँ आई वॉज मेकिंग एंड अपलोडिंग ऑल माई विडियोज एंड फोटोज ऑन सोशल साइट्स इवन आई ब्रॉड माई कैमरा टू थाईलैंड इन ऑर्डर टू कैप्चर सम स्वीट मेमरीज ऑफ माई ट्रिप ऑन द डे ऑफ रिटर्निंग आई वॉज शूटिंग अ व्लॉग विद माई कैमरा एंड गेटिंग रिव्यूज ऑफ माई फैमिली में रिगार्डिंग देयर एक्सपीरियंस मैं एक व्लॉग बना रहा था और हर किसी के एक्सपीरियंस के बारे में रिव्यू ले रहा था आई डोंट नो वेयर आई प्लेस माई फोन वाइल कैप्चिंग वीडियो मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ पे आ, फोन अपना रख दिया था जब मैं वीडियो बना रहा था सोन वो हिट द रोड टू एयरपोर्ट हिट द रोड एक वीडियो होता है जिसका मतलब होता है स्टार्ट करना जर्नी तो हम लोग एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए थे वैन आई वॉज इन प्लेन आई रियलाइज दैट आई डिडेंट है जब प्लेन में थे तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा फोन मेरे पास नहीं था आई फेल्ट ब्लू अगेन यहाँ पे आ गया आइडिया फेल्ट ब्लू का मतलब कि सैड फील करना बिकॉज इट वॉज सो एक्सपेंसिव एंड ऑल माई फाइल्स एंड फोटोज वर सेव इन दैट फोन दिस इंसिडेंट रूंड माई हैप्पीनेस इन अ सेकेंड आप यहाँ पे इन अ सेकेंड भी बोल सकते हो कि एक सेकेंड में ही मेरी हैप्पीनेस को बर्बाद कर दिया था इस इंसिडेंट ने एंड आई वॉज फीलिंग डाउन इन द डम्स अगेन ईडियम आ गया कि मैं बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था माई फादर वॉज ट्राइंग टू चेयर अप माई मूड बट आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर मेरे पापा कोशिश कर रहे थे मेरा मूड ठीक करने का बट मैं बिल्कुल रोने की कगार पे था आई वॉज स्माइलिंग बी ग्रेडेंटली बट solely फॉर माई फैमिली बी ग्रेडिंगली का मतलब होता है ये एक वोकेबलरी वर्ड है बी ग्रेडिंगली मीन्स डूइंग समथिंग विच यू डोंट वॉन्ट टू डू जो आप करना नहीं चाहते बट आपको करना पड़ रहा है Solely का मतलब ओनली वेन वी reached इंडिया जब हम लोग इंडिया पहुंचे आई ट्राई टू मेक कॉल्स ऑन माई नंबर बट इट वॉज switched ऑफ ऑल माई इंडेवर्स प्रूव यूजलेस और जितने भी मेरे एफर्ट थे वो सारे यूजलेस प्रूव हुए क्योंकि मुझे मेरा फोन नहीं मिला It was one of the frustrating experiences I have in my life, Mary Life Kaye. एक वन ऑफ द फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस रहा था सिंस देन आई हैव बिकम मोर केयरफुल विद माय बिलोंगिंग्स तब से मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल हो गया हूँ अपनी बिलोंगिंग को लेकर और ऑलवेज डबल चेक करता हूँ अपनी वैल्यूएबल आइटम्स को जब भी किसी जगह को मैं छोड़ता हूँ जहाँ कहीं से जाता हूँ टू कैप ऑल दिस इज अगेन एन मीडियम फॉर एंडिंग दिस वॉज द टाइम वन आई लॉस्ट माई वैल्यूएबल आइटम एंड इट इज एन अलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस फॉर मी एवर और ये मेरे लिए अन एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रीफाइंग मतलब अनफॉरगेटेबल मैं इसे भूल नहीं सकता क्योंकि ने मुझे एक लेसन सिखाया था सो ऐसे करके आप इस क्यूकर्ट को डिस्क्राइब कर सकते हो थैंक यू सो मच हैव गुड डे